देख रहे हैं डीडी कशिर, एहसास कश्मीर का। नाज़रीन आदाब, दूरदर्शन दे स्टूडियो थी आज द पहाड़ी प्रोग्राम लिशकारा कैन का असी हाजरे खिदमत तुसों को नाजरीन प्रोग्राम बिच जी आया को आखते हैं तो अरक दियाओ। नाजरीन उम्मीद करते हैं तुसती सह ठीक हो सी और तुसी अपना पसंदीदा पहाड़ी प्रोग्राम लिशकारा दिखते हो सो। जी नाजरीन, अगर तालीम दे बारे गल करा आज दे जमाने बिच तालीम बेहद जरूरी आ और अगर कुछ भी बंदा इस जमाने बिच अनपढ़ है तो वो एक ना जान चीज दे मानंद आ। इस वास्ते नाजरीन असा को कोशिश करनी चाहिए कि असी अपने बच्चों को अपनी जिहड़ी आए वाली पोच आ उसको चंगी तालीम देवां, उनकी जोक तो उनका जिहड़ा पसंद हो सी उसके मुताबिक असी उन्हें तालीम देवां ताकि वह जिंदगी बिच कुछ कर सकन। नाजरीन तालीम दारू मुँह मोड़ना होया जहालत नाल हथ जोड़ना। नाजीन अगर अज असा कोला चंगा मकान नहीं, जिमीबाड़ी काटा, दौलत काटा, गड्डी नहीं, कोई गल नहीं, असी अपने बच्चों को अगर चंगी तालीम दे सांगे वही असा वास्ते जरूरत आ। कल आए वाले वक्त बिच ये सारिया चीज़ा असा कोला हो सन मगर ये वक्त ना मुड़का सीगा। नाजरीन तालीम दी जिन्हें असी डिग्रियां हासिल करते हैं इन डिग्रियां को असा अपनी जिंदगी बिच अपनाना, असा एक रोल इजा अपनी सोसाइटी बिच प्ले करना अपना कि जिस नाल लगा कि असी पढ़े लिखे दे हैं। नाजरीन पढ़ाई लिखाई कर का कसा नौकरी या कसा बड़ी कुर्सी तो फायज होना ये जरूरी नहीं। पढ़ लिख का असी एक चंगे इंसान बन सकते हैं, पढ़ लिख का असी खरे खोटे की तमीज़ कर सकते हैं, पढ़ लिख का असी बड़े निके दा अदब कर सकते हैं। इस वास्ते असा को पढ़ाई लिखाई बहुत असा वास्ते अस्ती आए वाली पोच वास्ते जरूरी है। हालांकि देखो तुसी अस्ता जिहड़ा मुल्क आ ये दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा, डिजिटलाइजेशन आम हो रही और अज असी दिखते हैं कि जिहड़ा भी बंदा ये डिजिटलाइजेशन बिच अपना रोल अदा नहीं कर सकता वह बिल्कुल एक अनपढ़ चीज़ नालों है। नाजरीन इसी तालीम की वजह नाल असी अशरफुल मखलूकात भी हैं। तालीम नाल नाल असा को एक चंगी तरबियत भी होनी जरूरी है। नाजरीन गलां और भी करसा, अज असा अपने स्टडियो बिच एक मेहमान साथी जिहड़े पेशे थी उस्ताद हैं। हाल ही बिच इन्हां सोण यूएसए अमेरिका थी एक फुल ब्राइट एजुकेशनल प्रोग्राम दी स्कॉलरशिप थी वापस आए दिन तो अज असा सुन कोशिश की अपने मेहमान को स्टडी बिच आंदे दी तो तुसां नाल मुखातिब की थी। जी नाजरीन अज दे आस्ते मेहमान हैं रमीज़ अहमद। रमीज़ साहब तुस तां आस्ते स्टडियो बिच खैर मकदमा खुश आमदीद आ। साहब तुसां बहुत बहुत शुक्रिया पहाड़ी प्रोग्राम लिशकारा बिच आए दा। आई थिंक एक इस तों ज़्यादा खुशी तो मसरत दा मौका कोई नहीं जी, क्योंकि बाकी प्लेटफॉर्म तर भी मैं मतलब अपना फुल ब्राइट की जी तफसीलात असी जड़े कुछ सीखा में वो मैं शेयर की था जी, बट पहाड़ी प्रोग्राम भी आए दा एक अलग ही एक मुकाम बड़े नज़दीक है क्योंकि मैं खुद एक पहाड़ी इलाके थू बिलोंग करदा जी बिल्कुल और उड़ी थू जी, तो इस करके इस प्रोग्राम भी शामिल होए दा और मैं सबको बयान ना कर सकता कि कितनी मसरत और खुशी जी, बिल्कुल असा वास्ते भी काफी खुशी की गल कि तुसा सुन जिहड़ा एक्सपीरियंस उथा हासिल कीता वो आकर असा दसो। लेकिन उसकी पहला रमीश साहब तुसी अपनी जाती जिंदगी दे बारे विच आस्ते नाजरीन को दसो जी। जी तुसी कुथा रहे हो, किस तरह पढ़ाई तुसती होई जी? जी जी ऐसा मैं सो पहला अर्ज की थी कि मैं उड़ी थू बिलोंग करदा, उरनबुआ एक जगह आस्ती छोटा सा गांव जी, तो उस थू बिलोंग करदा। उसके बाद
जी इब्तदाई तालीम हुई वो उत्थी उड़ी बिच हुई जी तो उसके बाद फिर कॉलेज यूनिवर्सिटी वगैरह कंप्लीट कर का जी तो इस वेले में एजुकेशन डिपार्टमेंट बिच पिछले 12 साल तो तकरीबन में एजुकेशन डिपार्टमेंट एज अ उस्ताद काम कर रहे हैं जी जी तो इसी सिलसिले बिच एक एक फुलब्राइट का जो मौका मिले जी बिल्कुल तो ये मैं शुक्रगुजार हाँ अपनी तालीम शोब तालीम दे शोबे का जी जी अपनी पर जाती जिंदगी दी जड़ी कुछ आपने जड़े एक्सपीरियंस से जी या जड़ी बाकी अस्ती जड़ी जो सीखा है मैं उसको बरवेकार बरवेकार आन का जी तो ये मौका मिले आपको फुलब्राइट का जी जी बिल्कुल जी तुसा सुन बिल्कुल चंगा फरमाया तो रमी साहब तुसी ये दसो तुसी उस्ताद हो और ए उस्ताद दा जिहड़ा काम है आ ए शहरां विच भी आ ए असां ग्रां विच भी आ लेकिन जिहड़ा उस्तादां दा रिजल्ट आंदा वह बच्चों की पता चलता कि यह बच्चा किस लैवल का आ असती पहाड़ी कौम के जिहड़े बच्चे ओ काफ़ी बार अद्यां को अल्लाह सलामत रखा काफ़ी अगा गए दिन जिस विचों तुसी भी ए गए हो मगर कुछ बच्चे अस्ते मैगजिमम पोर्शन जिहड़ा बच्चों का ज़्यादातर आ मतलब ड्रॉप आउट्स हो गए हैं तालीम छोड़ देते हैं तुसी ये दसो तुसा सुन इस फुल ब्राइट एजुकेशनल प्रोग्राम यूएसए थी के सीखा तो इसको तुसी अस्ती ग्रां की जिंदगी विच किस तरह मतलब अप्लाई कर सकते हो जी देखो फुल ब्राइट प्रोग्राम का बेसिक परपज ये होंगे कि तुसी जल्दी उसी उसको गेंदे उसी अपना टाइम उतना उसी गुजार दे जी तो यह चीज़ पहले ही पूछी गई है कि तुसी जल्दी वापस आते हो तुसी आकर के कर सो जी बिल्कुल ये पहला एक बड़ा बुनियादी सवाल होंगे कि तुसी वापस आकर के कर सो जी तो माड़े जेन भी जो बड़ा बड़ा वाजे खाका तैयार हुआ है जिसलिए मैं यूएस भी असें मैं यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स भी असें जी तो जड़ी बिल्कुल हार्वर्ड नाल जी और तो इतना मैं देखा कि एजुकेशन जी है बड़ी इस पर बड़ी तरजीह दी गई है जी बाकी शोबे नाल नाल एजुकेशन पर बड़ा तरजीह मिलती है और उसको बड़ा मौका मिलता फराहम कर दें कि बच्चा कुदरती तौर पर जी जिसको असियां फितरती तौर पर जी वो अपनी जड़ी उससे सलाहित नो बरवे कार आना जी तो उस भी नंबर जो असन जिक्र किया कि नंबरात या जड़े असों को आज जे बोर्ड एग्जाम होने जी तो पहला उसी में गल कर सकें कि उस भी तुम देखो ज्यादा इस चीज पर तवज्जो दी गई है कि तुसे बच्चे सुन कितने नंबर आने जी आए वाली जी असी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की जी गल कर सो तो उस भी बिल्कुल वाजह तौर पर उन्होंने डिस्कस कर दें असे पॉलिसी मेकर के तुसी कोशिश करो कि बच्चा अपनी कुदरती माहौल बिच कुदरती एक अपने उस करा दे बिच या स्कूल दे माहौल बिच वो तैयार हुआ जी बिल्कुल फिर वो बरवे कार आना अपनी जड़ी उसे सलाहित है जी बिल्कुल तो ड्रॉप आउट रोट दे रेट तुसी गल की थी तो उस वास्ते असी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन जड़ा जी जी पिछले साल भी आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन करके एक स्कीम उन्होंने स्टार्ट की थी जी और जड़ी पूरे तूल वर्ज से पूरे जम्मू कश्मीर भी स्टार्ट हुई जी जी उस भी उन्होंने उनका फोकस ऐसा है कि तुसी किस तरह उन्होंने बच्चों को वापस मेन स्ट्रीम एजुकेशन में जानो जो किसी वजह नाल चाहे गरीबी है चाहे कोई वोकेशनल एजुकेशन है जी पेरेंट की कोई उनकी कमजोरी है तो स्कूलों में उस दायरे में निकल गए जी तो एक कोशिश डिपार्टमेंट कोशिश भी करता बड़े तह कामयाब उसी जिसल पेरेंट खुद मतलब इस चीज़ पर बच्चे को गामजन की थी कोशिश कर सी कि भाई थोड़ी ज्यादा प्रायोरिटी बच्चे की होगा कि वह स्कूल आदि माहौल बिच रहा जी क्या स्कूल इस धारे बिच जल्द निकल गया तो उसके बाद कई निकल गया स्कूल दे दार बच्चा इस हूँ तो घर भी गहना ही होता ना आखिर थोड़ा पेरेंट्स का रोल भी बनता है कि वह अपने बच्चे की तरबियत वास्ते अगर सारा असी ठेका मास्टर साहबां दे हवाले कर सटा तो वह भी कुछ जायज गल नहीं इस वास्ते पेरेंट्स का के रोल बनता तुसते नजरियत बिच क्योंकि तुसी अपनी तुसता एक्सपीरियंस स्कूल तुसी टीचर रहे हो तुसा ग्राम बिच भी पढ़ा लेदा उसीगा इन्हां पिछले 10-12 सालों बिच उसके बाद तुसा शहर बिच भी पढ़ा लेदा उसीगा या तुसा को क्या फर्क लगता कि मतलब जिहड़े ग्राम दे लोग उन्होंने को थोड़ी अनअवेयरनैस होंदी है तुसी पेरेंट्स का के रोल रहिंदा देखो पेरेंट्स का रोल इस करके जरूरी है कि बच्चा 18 घंटे कम से कम पेरेंट्स दे निगरानी बिच है जी 6 घंटे या 7 घंटे ज्यादा से ज्यादा 7 घंटे स्कूल बिच है जी और पेरेंट्स की प्रायोरिटी है तुम देखो खुद से देखो कि अगर तुम ग्रां देहात की गल कर सो तो खास कर से पहाड़ी बेल्ट तुम गल कर दो तो मोस्टली पेरेंट्स जड़े फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स हैं जी तो वो उनकी जड़ी ज्यादा तरजीह है वह लाइवलीहुड दर कि भाई असों को जो मौका तिहाड़ी जी अपना माश जरा माश का उस दर तवज्जो देनी है और आमदनी किस तरह बढ़ सी उस दर तवज्जो देनी है जी।
तो मगर अज की डेट में देखो खुशी की गल है कि जितनी जितनी एजुकेशन की असली पॉलिसीज हैं या जितनी एजुकेशन पॉलिसीज की जिक्र किया वो या और भी पेरेंट आज अवेयर है तो कोशिश करता कि मैं अपने बच्चे को बेहतरीन तो बेहतरीन तालीम दूँ और उस वास्ते उसको गाइड करना जी अस्थी रजाकाराना था जी तंजीमन या अस्थी गवर्नमेंट की जी पॉलिसी उस पीछे कोशिश करनी है कि पेरेंट की करे सही मकसद एजुकेशन का पहुंचा जी उस वास्ते NEP 2020 बड़ा एक उमदा काम कर रही बिल्कुल जी तो असर डिपार्टमेंट भी मतलब वक्तन फवक्तन काम कर रहे हैं बट उस अस्ते जो वालदेन साहब साहिबान उन्होंने को चाहिए कि वो खुद भी आगा आवन जी बिल्कुल कि आई तुसे मोबाइल पर आई तुसे को टेक्नोलॉजी का दौर आ तुसे को तुसे फिंगर टिप्स पर सारी दुनिया का जी बिल्कुल तो तुम दिख सकते हो पढ़ सकते हो समझ सकते हो तो मैं US भी जल्द देखिए उतना पेरेंट का यह रोल है कि पेरेंट कंटिन्यूसली कम्यूनीकेट करता टीचर नाल स्कूल नाल और अब तक मुनकता नहीं होता जी असा भी असं अगर भी गल कर सके तुम देखो पेरेंट टीचर मीटिंग का एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक सुतून है बिल्कुल और उस रोल को असं बरोए करा सो तो उस वो पेरेंट जड़ा वो स्कूल जुड़ सी जी वो जुड़ सी तो उसको बच्चे पर ज्यादा तवज्जो देसी बिल्कुल तवज्जो देते की वजह उसी कि बच्चा एक एक जिम्मेदार शहरी जिम्मेदार एक इंसान बनकर सोसाइटी पिछ अपना रोल अदा कर सी बिल्कुल बिल्कुल तो ये पेरेंट का बड़ा अहम रोल है बिल्कुल बहुत ही अहम रोल है इस विच जी बिल्कुल तुसा सुन जिस नाजरीन देखो कि आस्ते रमीज साहब सुन भी USA विच भी देखिया कि जिहड़े वालदेन दा रोल आ ए स्कूली उस्तादा नाल स्कूला नाल होना चाहिदा तो बहरहाल असी भी कोशिश कर सा आस्ते वालदेन जिहड़े भी आस्ते प्रोग्राम देखते हैं वो भी कोशिश कर सन कि अज तक अगर स्कूला दे नेड़े नहीं गए वो भी अपने उस्तादा को बच्चों के उस्तादा गज का मिल सकन तो वो अगर काम कर सकन ताकि बच्चे चंगे होन तुसी ये दसो कि जिहड़े मतलब आस्ते ड्रॉप आउट्स ग्राम विच आउंदे ने क्योंकि मैक्सिमम टाइम्स बच्चा उस वेले स्कूल छोड़ गेंदा या तो उसको वालदेन दे दारों कोई प्रॉब्लम आती है या फिर गरीबी आती है कुछ तो उन ड्रॉप आउट्स को वापस स्कूल अगर वो आना चाहन तो उन वास्ते मतलब आज दे जिहड़ी NEP है इस तक के रोल आ या फिर वॉलंटियरली अगर कुछ उस्ताद अपने समाज बीच काम करना चाहवा तो उस तक के हिसाब बन सी के रोल बन सी ताकि तुसन को भी दिख का तुसतियां गलां जिहड़ियां ने आस्ते नाजरीन तक पहुंच सनगे तो जिन्हें बच्चे अगर स्कूल छोड़ेदा तो वो वापस स्कूल चलो अगर उन भी एक मुहिम बन गया तो चंगी गल आ ऐसा आउट ऑफ स्कूल जड़े जिन्हें जिन्हें बच्चों से आते हैं कि इन्हें स्कूल छोड़ दिया जी इनका ये एक अहम टीचर पर तो जिम्मेदारी है ही है कि टीचर इस बच्चे को किसी तरीके नाल वापस मेन स्ट्रीम एजुकेशन में आना जी तो उस वास्ते असी आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन यूनिसेफ का एक मुहिम असी रिसेंटली के तुसी इन बच्चों को किसी तरीके नाल वापस आनो जी उस वास्ते सर्वे होया बाजाबता हुण उसका नेक्स्ट फेज रिसेंटली लॉन्च होने वाला जी मे बी अगले हफ्ते या 10 दिन के अंदर अंदर जी तो उस भी कोशिश है कि पहले इन्होंने को डेटा बेस मिला कितने बच्चे इन बार फिर उसके बाद कोशिश की गशा कि उन्होंने को अगर वो डायरेक्ट स्कूल बिच नहीं आते तो उन्होंने को किसी तरीके नाल माइल किए गशा स्कूल आए आए बिच जी बिल्कुल और उस वास्ते कई कई किस्म की यानी कि गवर्नमेंट अपनी NEP बिच बड़ा स्कूलों को इस तरीके का फ्रीडम मिल रही कि भाई तुम कसा बच्चे को एज अप्रोप्रिएट उसकी एज के हिसाब उसको एडजस्ट करो और कि बच्चा मान लो तुम कि छठी भी छोड़ गया था जी जी आज वो अठवीं भी चाहना चाहता जी तो स्कूल दरवाजे खुले तुसी उस बच्चे को वेलकम करो तुसी वेलकम करो उसको तुसी ना देखो कि उस बच्चे को कोई चीज कमजोरी है जी अगर वो पूरा करना चाहता वापस ज्वाइन करना चाहता तो एज अप्रोप्रिएट यानी कि उसकी उम्र के हिसाब नाल उसको वापस स्कूल भी दाखिल कर सकते हो बिल्कुल तो वो इशू नहीं और दूसरी एक बड़ी खूबसूरत चीज है कि असा जो नंबरों पर जो फोकस है इससे पहला तो नौ ही स्कूल असैसमेंट का जो तरीका पॉलिसी है उस भी तुसों कि अगर कोई बच्चा मनो तुसी अगर कोई नंबर भी कोई परफॉर्म नहीं कर रहा उसकी परसेंटेज उतनी खास नहीं बट उसको स्किल है उसको अपने माहौल भी रह दी उसको बाजाबता उसको ऐसे हथियार हैं कि वो अपनी जिंदगी बखूबी एडजस्ट कर सकता सोसाइटी में तो वो चीज़ें उन्होंने उसको असैसमेंट की दी कोशिश कर दिया डिपार्टमेंट बिल्कुल कि बच्चे को असि खाली नंबर की वजह ना असि स्कूल का बिल्कुल दरवाजा बंद ना कर दिखे भी गया था कि अस्ते वालदेन खासकर अस्ते जिहड़ा एजुकेशनल सेटअप है या फिर अस्ते पहाड़ी इलाकों में जिहड़े वालदेन जिसले बच्चे रिजल्ट आता था वालदेन फोन करते हैं अपने व्हाट्सएप पर स्टेटस रखते हैं माड़े बच्चे 500 में 480 नंबर आते हालांकि जिन्हें बच्चे मैक्सिमम टाइम्स तुम उस्ताद हो तुम भी दिखेगा उसी 480 490 वाला बच्चा अगली क्लास में जिसले उसको असी ज्यादा छा छोड़ दिया अगली क्लास है का फेल भी हो सकता बहरहाल जिहड़ा बच्चा नंबर घट आता उसकी सलाहिता ज्यादा नंबर आने वाले बच्चे को ज्यादा भी होते आखना है इस बारे देखो दसो यूएस का एक्सपीरियंस दसा कि जोड़ा असैसमेंट का तरीका उ था असा थू थोड़ा जहा एडवांसड जी
मगर अस्ती भी कोशिश है जी डिपार्टमेंट दिन इस वे प्रेजेंट अस्ती एडमिनिस्ट्रेशन है स्कूल का जो एस्टैबलिशमेंट है जी वो कोशिश कर रहे हैं कि असं उस नंबर तू थोड़ा जहा हटका जी असं स्किल्स कोशिश कर क्वालिटी एजुकेशन पर आवा जी बिल्कुल उस नाल जिहड़ा असैसमेंट का तरीका वो बदला जी और वो कोशिश 2020 तो शुरू हो गई है जी बिल्कुल तो बच्चे को जिसले फ्री हैंड दसो बच्चे को खुला छोड़ सो जी वो बाहर बीच का अपने क्रिएटिव तरीके नाल अपने अपने आस पास जुड़ी चीज़ा सीखसी जी और बच्चा देखो एक बड़ा पुराना मुहावरा हों कि बच्चा कोरा कागज़ है बिल्कुल तो मैं समझता कि मैं उतना गज के समझा कि बच्चा कोरा कागज़ नहीं बिल्कुल बच्चे को ऑलरेडी अगर वो छठी का या छः साल उम्र का बच्चा जी उस छः साल दी या चार साल दी उम्र के बच्चे को भी अपना एक उसको फितरतन उसको एक उसको उसको काफ़ी चीज़ा पता जी बिल्कुल जिड़ी वो पेरेंट उसको सिखाता जी इनफॉर्मली सीखता जी बिल्कुल तो उस हिसाब देख सो तो बच्चे को ऑलरेडी कई सलाहित हैं और उसको बरवे घर आने वास्ते को उसको एक माहौल तैयार करना बिल्कुल जिस बीच असा को एक और इनिशिएटिव डिपार्टमेंट एजुकेशन दस था कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ECC करके तो उस बीच ये कोशिश की गई है कि बच्चे को 4+ तुम एडमिट कर दो उस बीच को बिल्कुल फ्री छोड़ दो स्कूलों भी तुम को प्ले वे तरीके कर दो कोई होमवर्क नहीं कोई उस बच्चे को कोई कोई फोर्स नहीं करता कि तू सुबह मॉर्निंग होमवर्क करके आना बुक्स आननी और प्ले वे तरीके मैं तुम अपने स्कूल की गल करा जिस मैं पोस्टिंग है तो असा को एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट बारामूला आंदा तो असा को था कई स्कूलों को था मुहैया किए गया था स्मार्ट क्लासेस हैं इस तरह से प्ले वे मटीरियल प्रोवाइड किए गया था तो बच्चा जल्द उतना आंदा वो दो त्रे साल बिल्कुल उसी जहनी नशोनुमा होंगी है जी बिल्कुल कल मौजूद रहो मुगो जरा बारामूला आंदा एडवांस्ड एजुकेशनल सिस्टम बिच आंदा अस्ती उड़ी बिच भी एक स्कूल है बॉयज प्राइमरी स्कूल नायक महला इस्लामाबाद दशना देखो तुसी उत्थां दे उस्तादां दे जिहड़े मतलब पढ़ाले दा तरीका किया कि सोशल नेटवर्किंग अज आम आ लोगों सुन प्राइवेट स्कूल आए चू बच्चे कड़ का उस इस्लामाबाद दशना दे प्राइमरी स्कूलों बिच बच्चे सड़ने स्टार्ट किए उन्हां मास्टरां सुन अपना आप इजा प्रूव किया सारे भी जिहड़े मास्टर गवर्नमेंट स्कूलों बिच उसके बनिस्बत एक और ग्रां आया उसके नाल ही तो मतलब तुसां को क्या लगता कि जिहड़ा ये इस्लामाबाद दा ये स्कूल कम कर रहा या उत्थां दे उस्ताद या तुसां भी वो वीडियो दिखे दे होसनगे तो बाकी उस्तादां वास्ते तुसदी के मैसेज रहिंदी है देखो उसां सोशल मीडिया की गल की तो मैं समझना कि अज सोशल मीडिया के दो ही उसके पहलू हैं एक पहलू है कि तुम उसको इस्तेमाल करो जी समाजी बुराई वास्ते या कोई कोई किसी किस्म का कोई डिविजन क्रिएट किए वास्ते दूसरा तरीका हो सकता है कि तुम अपनी जी कारकरदगी है एक स्कूल की मिसाल दी ऐसे हजारों स्कूल वास्ते खासकर स्कूल का जिक्र की मैं उनका दिखाया वीडियोज भी दिखता दिखे तो अगर तुम एक कम्युनिकेट करते हो इनडायरैक्टली तुम पेरेंट्स नाल बिल्कुल तो पेरेंट्स सोशल मीडिया पर वो दिखता बिल्कुल वो बड़ा खुश होता कि खुश होता टीचर जरा बड़ी बड़ी अच्छी कारकर्दगी करता बिल्कुल तो उसकी एप्रिसिएशन भी होती है और स्कूल की एक बड़ी इमेज बिल्डिंग भी होती है बिल्कुल उसका जरा खाका तैयार होता जो पहला हों कि भाई स्कूल अभी काम नहीं हो रहा टीचर काम नहीं कर रहा तो वो नजरिया तब्दील हो रहा है जी बिल्कुल तो सोशल मीडिया को अगर से टीचर में समझना अगर बरोएकार आनंद बड़े अच्छे तरीके नाल जी तो सोसाइटी को कम्युनिटी को अस्ते जो आस पास जो लोग हैं खासकर वालदेन उन्होंने तक जिले एक मैसेज गए सी कि हाँ वाकई टीचर कोई हाँ उस बीच एक चीज मैं जरूर आखसा कि जोड़ना चाहसा कि तुम इस चीज़ का भी बड़ा ख्याल रखना कि बच्चे की प्राइवेसी या किसी टीचर की प्राइवेसी का भी कोई कोई उसका कोई ऐसा कोई ख्याल रखना कि वो वायलेट ना हुआ बिल्कुल बिल्कुल तो मगर अगर तुम बच्चों को तरीके शोकेस कर दो तो कम्युनिटी बड़ी है तुम एक असल जी इमेज बिल्डिंग होती है बिल्कुल देखो रमी साहब उसके नाल एक और ग्रां है मैं ये भी तुसा कोट करना चाहसा कि उथा भी गवर्नमेंट स्कूल है और हाई स्कूल है मगर उथा बगना उस ग्रां का ना उथा का जिहड़ा मतलब माहौल है पढ़ाई का उस्ताद तो चंगे मगर लोगों का रुझान घट आ तुसी उन्हां लोगों वास्ते तुस तक मैसेज है कि वो लोग पढ़ाई थी ज्यादा मतलब बच्चों को मजदूरी दार निकिया बच्चों को मजदूरी ला लाने कोई दसवीं फेल हो गया गश्च बच्चा इतना चूने का काम चलता चूना पट मजदूरी कर तुस तक मैसेज किया है उस वास्ते देखो इस पीछे से कुरान पाक पीछे एक बड़ी जी बेहतरीन उमदा एक अल्लाह पाक फरमांदन कि उस कौम की असी अल्लाह ताला किस्मत नहीं बदलता जब तक वो खुद अपनी किस्मत बदले को तैयार ना हो बिल्कुल और अगर तुम तरजीह उसी के देखो एक बच्चा अगर उसका कमा का देंदा जी तो ता कमा का देसी कि जल्द उसकी सेहत हो सी और त्री 40-35 साल तक कमा सी जी तो 40 साल के बाद वो बच्चा 30 साल के बाद ये खुदा ना खासतौर कोई हादसाती तौर पर उसको नुकसान होता जिस्मानी जहनी तो उस तुसा को
बड़े कम अरसे वास्ते उसों को फायदा दी सी जी बिल्कुल बिल्कुल उसका पहला जड़ा उसका होना चाहिए जगह सोसाइटी भी स्कूल है बच्चे दी तो पेरेंट्स को इंगेज कीते वास्ते ये चीज़ है कि शायद थोड़ा पेरेंट्स को पहला खुद तैयार होना पे सी बिल्कुल और अगर रुझान अपना बढ़ाना पैदा करना बच्चों को मतलब किस तरह असी पढ़ा जिस तरह के मैं प्रोग्राम की शुरुआत में भी आख्या असं अपनी ख्वाहिशा कट करनी है असं अपना बच्चों दर देखना जोड़ा तुम मकान की जिक्र किया कि तुम जो मकान तामीर कर दो जी बच्चा तुसा अपना मकान है जी बच्चा तुसा को एक रूहानी मकान भी है बच्चा तुसा को एक एक, एक जिस्मानी भी तुसा को कल हेल्पफुल हो सकता है हेल्पफुल हो सकता है और तुसा कुछ थोड़ा जो उस पर मेहनत करनी है खासकर शुरू के जड़े साल जी शुरू के जड़े साल आने अस एजुकेशन में असं अगर जिक्र करते हैं कि ये फॉर्मेटिव ईयरस हो इस बनता बच्चा बन भी सकता बिगड़ भी सकता बिल्कुल अगर ये कुछ साल पेरेंट थोड़ी जी अपने ख्वाहिशों को जी काबू करा जी और उसकी तरजीह हुआ कि इसको एजुकेशन मिला फिर एक वक्त एक आसी कि वो बच्चा खुद ब खुद तुसों को उसका फायदा आउटपुट उसका आउटपुट तुसों को देसी बिल्कुल बट थोड़ा जा सबर करना जी असी खुद तुसी खुद पढ़िया था बड़ी मेहनत नाल पढ़िया था तो असा पता कि थोड़ी जी सख्ती चाहनी पैंदी है जी अगा गज का जो उसका जड़ा उसका मुफीद जो उसका फायदा जड़ा उसको मिल सकता बट थोड़ा जा वो करना दूसरी चीज है कि रजाकाराना तौर पर भी कुछ लोग जड़े सोसाइटी बिच माहौल उनको अगा आना यूथ इस यूथ यूथ तो आखना चाहता कि अगर हर ग्राम बिच यूथ ते पांच दस आदमी इजे होंदे जिहड़े मतलब काफी मतलब उनदिया एग्जांपल्स दिते गए ने अपने ग्राम बिच रोल मॉडल समझे गए तो मतलब यूथ को भी आना चाहिए कि जिहड़े ड्रॉप आउट्स हैं जिहड़े बच्चे या जिथे टीचरां दीआं कमियां होन या जिथे पेरेंट्स दीआं कमियां होन तो यूथ को भी आना चाहिए ताकि वो इन्हां कमियों को दूर कर सकन पेरेंट्स टीचर्स की मीटिंग करा सकन या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हुआ बच्चे नाल डायरेक्टली यूथ भी इंटरेक्शन कर सकती है इस भी उसको एक बड़ा असल मैकेनिज्म एजुकेशन दा कि तुसां को स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होंदी है जी स्कूल एस एम सी एस एम डी सी की एक कमेटी होंगी है जी उस भी तुसा को बढ़ चढ़ का अस्ते जड़े आज पंचायती राज दे जड़े असा को एक एक बॉडी है या म्युनिसिपैलिटी पंचायत चलती है उस भी पंच सरपंच साहिबान बाकी लोग हैं तो उस जिम्मेदार लोग अगर इस भी शामिल हो सन और वक्तन फवक्तन स्कूलों नाल अपना लहजान रख सन जी बिल्कुल तो उस बीच उनका बाजबता रोल है जी कि वो कम्युनिटी को उस पंचायत को उस हल्के को लोगों को जोड़न जी महीने बीच एक बार कम से कम स्कूल भी गश का तुम उनका हाल चाल पुछो जी तो उनको तुम देखो कि उनको कोई दिक्कत या कोई दिक्कत भी अगर या तो उसको दूर की उसको दूर किस तरह दूर मिलजुल का सी उसको दूर की दी बिल्कुल कोशिश करें देखो सोशल मीडिया पर अगर असी देखते हैं कि अगर असी उसका कोई किसी चीज को डिस्कस करते हैं तो उसका कोई जब्त कोई उसका कोई जब्ता कोई उसका कोई कोई किसी वाजिया कोई रूल कोई फॉलो ना करते जी बिल्कुल उस तो बेहतर है अगर असी मिलजुल का स्कूलों बीच गश का रजाकाराना तरीके या जड़े इदारे हस्ते हैं वो मिलकर करन तो उसका बीच का डिस्कस कर सकते हैं जी कि एक ऐसी माशरे भी जिस बीच असी मजहब माशाल्लाह असी बड़े समझदार हाँ पढ़े लिखे दे जी ऐसा भी नहीं कि असा कोई दौरे जहालत आ ऐसा भी नहीं बिल्कुल तो उस बीच असी अगर बीच का गल कर सा तो फिर सोशल मीडिया पर मुझे लगता असा को आई भी आई की लोड़ ही ना पेसी बिल्कुल तो अगर असी उसका मिलजुल का गल कर सा बिल्कुल तो इस तरह हल निकल सकता जी बेशक निकल जी तुसी रमीश साहब दसो ग्राम बिच जड़े उस्ताद हैं मैक्सिमम उस्ताद इजे होंदे जड़े उस्ताद लगदे हैं मगर फिर ग्राम बिच गश के पढ़ाले दी कोशिश नहीं करदे तुसा को के लगदा कि जिथे जिस मिट्टी दे असी आए हां तां असां उस मिट्टी दी खिदमत किस तरह करनी चाहिए जी देखो मैं सबको जिक्र करा परसों अस्ता एक स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट सुन एक एनुअल ट्रांसफर ड्राइव एटीडी करके उन्होंने सुना बिल्कुल इनिशिएटिव के दिया कि अगर कोई टीचर दो साल थू त्रे साल थू या उस ज्यादा अरसे थू किसी स्कूल बिच है जी शहर बिच आई या कोई किसी ग्राम बिच है उसको तुसी वापस किसी दूसरे स्कूल भी मुंतकिल करो जी तो इस बिच ये चीज होगी कि ऐसी जगह थू टीचर जेडे उस्ताद सा किराम से वो एक्सा पहले फेजा बिच उठू उठका दूसरे स्कूल भी चले गए तो ये सिलसिला शायद पहली बार होएगा जी और इस बीच कोई खुशाइन रिजल्ट निकल का आसन इंशाल्लाह इंशाल्लाह दूसरी चीज है कि अगर देखो अगर ऐसा भी कोई स्कूल है जिता असों को डर था स्कूल टीचर दी कमी है जी या बच्चे रोल बहुत ज्यादा अक्सर देखो कि ग्रां देहात भी जड़ा सा रोल है बहुत ज्यादा ग्रां सफर कर दें टीचर घट होने टीचर घट होने और रोल बहुत असल है तो उस बीच है कि अगर असी डिपार्टमेंट नाल असी राबता करते हैं या जड़े अस्ते जड़ा इंतजामिया पंचायत दी बाकी जड़े इदारे वो मिलकर अगर बड़े अहसन तरीके खुशाइन तरीके चीजा पहुंचाते हैं ऑफिसर कंसर्न नाल
तो उसका इजाला हो सकता। बिल्कुल, तो ऐसी कोई चीज नहीं कि आज के दौर बीच असा पेरेंट टीचर रेशियो जड़ा उतना भी बुरा नहीं, मगर वॉलंटियरली असा को भी कोशिश करनी चाहिए, डिपार्टमेंट को आखना चाहिए कि मुगो ग्राम बीच ही भेजो बेहतर है, या कि ग्राम बीच नील का टीचर चले गए इधर उधर तो वो भी ठीक नहीं। और रमीश साहब तुसा को मैं एक और सवाल पूछना चाहता कि असा को स्कूलाई लेवल इजी बढ़ानी चाहिए कि जेड़े आस्ते गवर्नमेंट टीचर हैं जेड़े एजुकेशन डिपार्टमेंट बीच काम करते हैं उनके जेड़े अपने बच्चे ने प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, इस वास्ते असा को उन टीचरों को भी कोशिश करनी चाहिए कि उनके स्कूलों का स्टैंडर्ड जो होगा चाहे जिस बच्चे गवर्नमेंट स्कूलों वास्ते टीचरों के बच्चे भी पढ़ने चाहिए। ऐसा जिस स्कूल भी मैं इस वेले काम करदा, जी जी, इससे पहला मैं एक और स्कूल से हमें बारामूला डिस्ट्रिक्ट भी काम करता से जी, उस समय एक छोटा जि खाका तैयार की थी कि थोड़ी जी रिसर्च तैयार की थी कि कितने बच्चे अस्ते गवर्नमेंट स्कूलों में आए थे प्राइवेट स्कूलों तो जी जी, तुम यकीन कर सो कि 65 बच्चा इतना ऐसा आया कि जड़ा प्राइवेट स्कूल थू असे गवर्नमेंट स्कूल बच आया जी। जिस स्कूल में इस वेले मौजूद काम करदा पिछले 2-3 साल थू उथा भी मैं इसलिए रिसर्च करदा दिखता कितने बच्चे आए थे, तुसी यकीन करो कि अर्ली क्लासेस बीच तकरीबन अस्ते 20-25 बच्चे ऐसे हैं जी जड़े प्राइवेट स्कूल थू और वर्किंग पेरेंट्स थे जी, उस भी उस्ताद भी हैं जी जेड़े अस्ते प्राइवेट स्कूल बीच आए दिन जी। तो हमें जिक्र की थे कि अस्ते एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट बीच असा को था जड़ा प्ले वे मैथड लैब स्कूल करके एक इनिशिएटिव की थे किया था जी, उसके बाद जड़ा असा को इंफ्रास्ट्रक्चर भी वक्तन फोक्तन असा को उस बीच एडिशन होता जी, तो वो और इमेज बिल्डिंग भी हो रही जी। हाँ भी गवर्नमेंट स्कूल जिक्र किया था एक्सा स्कूल था थोड़ी देर पहला, तो ऐसे कई स्कूल जड़े कोशिश कर रहे तो उस उनकी उस उन कोशिश की वजह नाल कई बच्चे ऐसे हैं जड़े अस्ते न खाली के तुसी कर सो आक्सो के टीचर दे बाकी डिपार्टमेंट दे बाकी वर्किंग क्लास दे ओ स्कूल विच आके उथे एडमिट कर दे जी। बिल्कुल, तो ऐसा एक कहना कि यह आखना बिल्कुल मु लगता कि शायद थोड़ा सा को मोहतात रहना पे सी कि नहीं आ रहे ऐसे स्कूलों बीच गवर्नमेंट स्कूलों में बच्चे जी मुसलसल अस्ता एनरोलमेंट बढ़ रहा है। रमीश साहब हम तो मैं पूछता तो फल ब्राइट एजुकेशन प्रोग्राम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बीच किया उतों का एक्सपीरियंस तुम ग्रां मतलब अस्ते ग्रां की लेवल तक किस तरह लिहाज करना चाहते हो मुफ्तसर बिच असा को जवाब दो क्योंकि अस्ति स्टडियो की कड़ी का इशारा भी होने वाला है जी। ऐसा मुख्तसर में सो यह दसा कि मैं परसों अस्ते प्रिंसिपल सैकटरी स्कूल एजुकेशन आलोक कुमार जी जी इन्होंने प्रेजेंटेशन दी अपनी जी, तो उन्होंने उस बच्चे ये निकल के आया कि तुसे जड़ा भी एक्सपीरियंसिस जी तुसी तो पहले तो इस लिशकारा प्रोग्राम के जरिए भी एक मैसेज चली गई कि भाई असी कोई चीज कोशिश कर रहे हैं जी, तो इस भी कोई प्रोग्राम है ऐसे जी कि जिस बीच असी स्कूलों नाल मिलकर कोई प्लान कर रहे हैं जी, और अपनी ऑलरेडी उस स्कूल भी जिसका मैं काम करदा उतू मैं एटलीस्ट मैं चाहता उतू शुरुआत होनी चाहिए जी, फिर इसका जरा असर बाकी स्कूलों पर भी हो सी। और मैं ओपन हाँ कि अगर कोई भी स्कूल सदना चाहसी कोई भी इदारा अगर मुगो मधु करना चाहसी कि भाई तुसी स्कूला बिच आओ जी टीचर जी प्रोफेशनल डेवलपमेंट वास्ते मैं तैयार हां। रमीश साहब बहुत बहुत शुक्रिया आस्ते स्टडियो बिच आए वास्ते बहुत शुक्रिया ऐसा जी। नाजरीन ए आसा आज दा आस्ता पहाड़ी प्रोग्राम दियो अपने मेजबान अयाज फारूक इजाजत, अल्लाह हाफिज व नासिर। देख रहे हैं डीडी।